हेलो दोस्तों, कैसा चल रहा है? आपका स्वागत है मोटर अपडेट्स के अपडेट्स डेली एपिसोड नंबर 49 में। भाई मैं आ गया। और दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट आज मैं कोई भी बकवास नहीं करूंगा, तो रहने दो फिर। सीधा बिना किसी टाइम वेस्ट के मेरा नाम है धोनी और आप देख रहे हैं मोटर अपडेट्स, क्योंकि आज बहुत सारी न्यूज ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं न्यूज नंबर 1 के साथ। न्यूज नंबर 1 जो है दोस्तों, वो है टोयोटा की तरफ से। टोयोटा की जो बेल्टा है वो पहली बार स्पॉट कर दी गई है विद वो जो बेल्टा जो है, मैंने आपको बता दिया था कि सियाज का रिबेस्ड वर्जन होने वाला है और ये पहली बार स्पॉट कर दी गई है रोड्स पे। और ये टोयोटा का बेज है, सिर्फ इसमें कोई भी चेंज नहीं है, सच्ची बोलूँ तो कोई भी चेंज नहीं है और बस ऐसे ही चल रहा है जो कुछ भी चल रहा है टोयोटा और मारुति सुजुकी के बीच में। और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते क्या ही फायदा है, सियाज की जितनी स्पेसिफिकेशन है वही सारी स्पेसिफिकेशन आती है, तो इसके बारे में अभी कोई डिस्कस नहीं करते और अगली न्यूज की तरफ आगे बढ़ते हैं। और अगली न्यूज जो है दोस्तों, वो है टोयोटा की तरफ से फिर से, मतलब टोयोटा की जो पॉलिश थी अल्ट्रा लेजेंड कार थी, मतलब उसका एक जमाना था कि बहुत बढ़िया बिकती थी ये गाड़ी, इतनी बढ़िया बिकती थी कि सुमो फिर ऐसी जो सफारी ऐसी जो गाड़ियां थी उसको टक्कर देती थी, उसका मार्केट तोड़ दिया था पॉलिश ने। और 2005 की अगर हम बात करें तो इस गाड़ी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था बिकॉज ये काफी पुराना मॉडल था और इंडिया में इतना पॉपुलर बन चुका था कि अभी इसको डिसकंटिन्यू करना जरूरी था, क्योंकि ये पुराना मॉडल होने के बावजूद भी इतना ज्यादा बिक रही थी टोयोटा वालों को लगा कि इसका रिप्लेसमेंट जरूर से बनता है। और इसका रिप्लेसमेंट हुआ इनोवा, जो काफी ज्यादा पॉपुलर गाड़ी है आज के भी इंडियन मार्केट के अंदर। और अभी ये टोयोटा की जो प्राइसिंग है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, 18 से आपको कुछ 22-23 लाख रुपए तक जाती है एक्स शोरूम प्राइसेस है, ऑन रोड तो आपको बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाती है, बट ये जो है अभी महंगी हो चुकी है और अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं है एमपीवी का। तो मारुति सुजुकी की जो अर्टिगा है वो अभी मैं पॉइंट पे आता हूँ, तो वो जो है वो आपको गैस पर करना है तो कर लो, बट मैं आपको बता दूं कि पॉलिस के नाम पे आ सकती है मारुति सुजुकी अर्टिगा रीबैच AKA टोयोटा पॉलिस। मतलब ये क्या कंपनी वालों को अच्छा लगता है कि इतनी लेजेंडरी गाड़ियों को एक अच्छा खासा नाम देके मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अपना लेते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। मतलब अभी अगर हम बात करें तो जो अभी हाल ही में लॉन्च हुई सफारी जो है वो एक्चुअली में क्रेविटास है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, बट ये अभी टाटा वालों ने भी गेम खेला और क्रेविटास को बना दिया सफारी, ताकि जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो बढ़ा दी जाए। और वैसे तो टाटा सफारी एक्सटेंडेड वर्जन जो है ये रेयर का ही है, ऐसा ही कर रहे हैं लोग। ऑटो इंडस्ट्री भी काफी ज्यादा गेम चेंजर बनने वाली है थोड़े दिनों में, जो अच्छी अच्छी नई गाड़ियां बोल रहे हैं ना वो आपको रिबेज या फिर एक्सटेंडेड वर्जन में ही दिखेगी। ठीक है, अभी क्या ही कर सकते, मेरा काम है न्यूज पढ़ना और उनको पढ़ा दे, तो ठीक है जो कुछ भी है यही है। और दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज जो है वो है हीरो की। हीरो के जितने भी सारे भी प्रोडक्ट्स जो थे प्रोडक्ट्स जो थे आने वाले समय में, वो सारे के सारे मतलब सारे के सारे होल्ड पे चले गए। और 2025 तक जिसका प्लान था कि हर साल 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, बट अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से जो सारे प्रोजेक्ट्स जो थे वो सब कुछ बंद हो चुका है। और अभी अभी के लिए तो छोटा सा ब्रेक लिया है हीरो वालों ने, और ये ब्रेक कुछ 25 अप्रैल से 1 मई तक है, और कोविड की सिचुएशन ऐसे ही बनती रही और कॉरपोरेट वर्क को तो अभी वर्क फ्रॉम होम ही दिया गया है, बट ऐसे ही सिचुएशन बढ़ती गई तो सारे प्रोजेक्ट्स और भी डिले हो सकते हैं, देखते हैं। और दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, यही थी न्यूज जो कुछ थी। और दोस्तों अगली न्यूज भी हीरो की ही है, और हीरो और जो एक इलेक्ट्रिक ब्रांड है गोब्रू, आई थिंक मैं इसका नाम सही बोल रहा हूँ, और ये दोनों कंपनीज पार्टनरशिप में आ चुकी है और हीरो इलेक्ट्रिक जो है वो अभी बनाने वाला है इलेक्ट्रिक स्वैपिंग बैटरीज। इलेक्ट्रिक स्वैपिंग बैटरीज आपको अगर नहीं पता है तो मैं इस शॉर्ट में बता दूं कि अगर आपकी गाड़ी की बैटरी खत्म हो चुकी है और आपको चार्जिंग स्टेशंस नहीं मिल रहे तो उन लोगों के लिए ये एक अच्छी खासी ऑप्शन बन जाती है इलेक्ट्रिक स्वैपिंग बैटरीज। मतलब अगर आपकी बैटरी खत्म है तो वहां पे चार्जिंग स्टेशंस पे जाओ, आपको वेट नहीं करना है तो अलग से बैटरी ले लो और फिर डाल दो,
अपने स्कूटर या बाइक में और फिर से चलने लगो ऐसे होता है। और ये चीज अच्छी है, आपको फ्यूचर में ऐसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चलते हुए देखेंगे दिखेंगे। तो चुकी है यही है। और दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो है वो है ट्रायंफ वालों की तरफ से। ट्रायंफ की जो स्ट्रीट स्क्रैम्बलर और स्टैंड स्ट्रॉन्ग एडिशन जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। एक्चुअली लॉन्च नहीं हुए, अनवील हो चुके हैं। और ये कुछ 575 यूनिट्स के साथ ही आते हैं और ये लिमिटेड एडिशन है, आपको पता चल ही गया होगा। और इसकी प्राइसिंग अभी तक बाहर नहीं आई है क्योंकि लॉन्च नहीं हुए ऑफकोर्स। और दोस्तों इसमें अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको 65 bhp की पावर, 80 nm ऑफ टॉर्क, 5 स्पीड गियरबॉक्स और वो सब कुछ तो मिल ही जाता है। और सारे फीचर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है, तो वो आप ट्रायंफ के वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर, ठीक है। और दोस्तों अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो है वो है ऑफकोर्स जॉय इलेक्ट्रिक सुपर बाइक्स। अभी जॉय इलेक्ट्रिक ने कुछ 4 बाइक्स लॉन्च करे हैं और चारों पावर ओरिएंटेड है, अच्छी खासी रेंज दे देते हैं 90 किलोमीटर की और ये कुछ जाती है ऑलमोस्ट 110 किलोमीटर तक। और इसकी प्राइसिंग कुछ रखी गई है 230,000 से 245,000, बढ़िया। और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जाइए अपने जॉय इलेक्ट्रिक के नज़दीकी शोरूम्स में और आपको ये चारों बाइक्स जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों चलिए अभी आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। और अगली न्यूज़ जो है दोस्तों वो है मासेराटी की तरफ। और मासेराटी की जो लिवांटे जो ये एक हाइब्रिड SUV है और ये अभी अनवील हो चुकी है। और अगर हम बात करें तो इसमें आपको कुछ 350 bhp की पावर, 400 nm ऑफ टॉर्क देखने को मिल जाता है विथ 48 किलोवाट आवर की हाइब्रिड बैटरी देखने को मिल जाती है और काफ़ी बढ़िया है। अभी रेंज की अगर हम बात करें तो आपको 0-100 6 सेकंड के अंदर आपको मिल जाता है और 240 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है। अभी रेंज और प्राइसेस के बारे में कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ है तो आपको लॉन्च तक वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों अभी ये सब कुछ खत्म होता है, सारी न्यूज़ खत्म होती है। आज ऑलमोस्ट 7-8 न्यूज़ थी जो मैंने यहाँ पे दे दिए, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में टाइम वेस्ट नहीं किया था और डायरेक्ट मैंने चालू कर दिया था। और दोस्तों अभी न्यूज़ यहीं पे ख़त्म होती है। और आप लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो किया या नहीं किया, नहीं किया है तो जाके फॉलो करो क्योंकि मैं वहाँ पे IGT रील्स आउट ऑफ द सिटी की सबसे पहले पोस्ट सब कुछ डालता हूँ, तो वहाँ पे जाके फॉलो करना बनता है। और दोस्तों मैं ट्विटर पे भी मैं अच्छी खासी ट्वीट्स फ्लीट्स और मैं छोटे मोटे न्यूज़ जो होते हैं वो सब कुछ डालता हूँ, तो वहाँ पे जाके फॉलो कर लो। और दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर सब्सक्राइब जरूर से करो। मैं कोई बोतल से निकला हुआ भूत हूँ कि एक के बाद एक काम देते जा रहे हो? इसमें कुछ भी पैसे नहीं चाहते आपके, ये फ्री में तो आपको करना चाहिए। एक वीडियो के पीछे बहुत सारी मेहनत लगती है, तो एक छोटा सा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लोगे तो अच्छी चीज़ होती है। तो दोस्तों अभी यहीं पे सब कुछ खत्म होता है, हम आपको मिलेंगे कल आउट ऑफ डेज डेली एपिसोड नंबर 50 में, ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी। तो बहुत जल्द मिलेंगे, बहुत अच्छे से मिलेंगे। कल शायद आपको ये सेटअप देखने को ना मिले, शायद बोल रहा हूँ शायद, ठीक है मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ। ये ऑडियो क्वालिटी कैमरा क्वालिटी सब कुछ आपको बदला हुआ दिख सकता है, शायद बोल रहा हूँ, ये कन्फर्म नहीं है, सो वेट फॉर इट। और दोस्तों हम आपको बहुत ही जल्द मिलेंगे, मैंने जैसे ही आपको बताया। और तब तक जय हिंद वंदे मातरम। ओके ठीक है, ये लास्ट था।